हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज राज वायरस। सो गाइस, मैंने लास्ट 3 से 4 महीने से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया और मैं बीच में घर आया था। इनफैक्ट मैं अभी भी घर में हूँ और मेरे साथ ना कुछ हादसा हुआ है और बहुत ही ज़्यादा खराब एक्सपीरियंस था गाइस। मैं ना 32 डेज रिहैब में था। मेरा घर वाले मुझे रिहैब में भेज दिया था, मतलब नशा मुक्त केंद्र। ओके, एक्चुअली मैं गांजा फूकता हूँ और मैं अभी भी फूकता हूँ और मैं पहले भी फूकता था। बट कुछ ऐसा हुआ था कि मैं घर में इस बार जब आया तो कुछ फैमिली इशू हो गया था, तो मैं घर वाले के सामने ओपन फूक रहा था। तो उसके बाद मेरा घर वाले मुझे रिहैब में भेज दिया। रिहैब में भेजने का सीन कुछ ऐसा था कि मैं रूम पे सो रहा था और अचानक ऐसे 3 से 4 आदमी आया और मुझे उठा के लेके चला गया और मुझे बहुत मारा गया। और क्या ही बोलूँ, वहाँ पे जब गया तो मुझे डिटॉक्स में रखा था। मुझे 7 दिन तक डिटॉक्स में रखा था। डिटॉक्स बोले तो एक रूम के अंदर, मतलब क्वारंटीन टाइप का, समझ रहे हो ना। आपको नींद का दवाइयाँ देगा और आपको नींद का मेडिसिन लेके सोना पड़ेगा, कुछ ऐसा था। तो पहले 7 दिन का सीन आपको डिटॉक्स में रहना पड़ेगा, इट्स लाइक क्वारंटीन। फिर उसके बाद आपको शेड्यूल में भेजता है। शेड्यूल में क्या होता है, शेड्यूल में ना आपको काम कराया जाता है, लाइक घर झाड़ू पोछा हो जाए, बर्तन साफ करना हो जाए, कुछ भी काम आपको करना पड़ेगा। मैं तो वॉशरूम भी क्लीन किया था। इनफैक्ट मतलब जो इंडियन टॉयलेट होता है ना, वो मैं हाथ से साफ किया था, बहुत गंदा शॉर्ट था। फिर उसके बाद गाइस, वहाँ पे 4 दीवार के अंदर में आपको रहना पड़ता है। मतलब आप भी सोचो कि 1 महीना आप एक ही 4 दीवार के अंदर आपको अपना बाहर जा पा रहे हो ना, बाहर का आदमी लोग से बात कर पा रहे हो ना, आप सूरज को देख पा रहे हो, आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हो, बस आप 4 दीवार के बीच में हो। और आपके पास ना कोई फ़ोन रहेगा, कुछ भी चीज़ नहीं रहेगा। मेरा हेयर बहुत लॉन्ग था, वहाँ से जाके मेरा हेयर कट करा दिया। और गाइस, मेरा यहाँ पे इंडस्ट्रियल रिंग था, वो सब खोल के रखा था। मुझे तो मतलब मैं डर ही गया था, क्योंकि बहुत कष्ट करके मैं ये सब पियर्सिंग करवाया था अलग अलग जगह से। और वो जब बंद हो रहा था ना, मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बैड फील हो रहा था। और गाइस क्या ही बोलूँ, मतलब हर टाइम पे मेंटली जो टॉर्चर होता है ना, वो मेंटली टॉर्चर मैं झेल रहा था। मतलब इतना मूड स्विंग होता है ना गाइस रिहैब में, मतलब क्या ही बोलूँ। वहाँ पे आपको बीड़ी मिल जाता है, आपको काम करवा के आपको बीड़ी देता है। ओके, जो लोग बीड़ी पीता है, जो लोग स्मोक करता है वो लोग के लिए बीड़ी, और जो लोग स्मोक नहीं करता तो वो लोग के लिए खैनी दिया जाता है। और जो लोग खैनी और बीड़ी कुछ भी नहीं लेता तो वो लोग ऐसे बैठा रहता है। बेसिकली रिहैब में जाता है 2-3 कारण के लिए। एक तो नशा हो गया है, किसी का लाइफस्टाइल का प्रॉब्लम हो गया है, वो लोग भी जाता है। और किसी किसी का ना गाइस क्या होता है कि फैमिली प्रॉब्लम होता है या फिर मेंटली इशू होता है, तो वो लोग भी रिहैब में जाता है। ओके, और मैं कभी भी किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा कि कोई भी बंदा मेरा जान पहचान का कि वो लोग रिहैब का 4 दीवार के अंदर वो कभी भी जाए, क्योंकि ना वो एक प्रिजन टाइप का था। मतलब लिटरली इतना बैड एक्सपीरियंस, क्या ही बोलूँ। हाँ, मतलब वहाँ पे ना आपको टाइम टू टाइम खाना तो मिल जाता है, बट क्या ही बोलूँ, मतलब फक द रिहैब गाइस लिटरली। और वहाँ का सीन कुछ ऐसा था ना कि जैसे पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, वो जो पोल्ट्रीज होता है उसको खाना खिला के, दवाइयाँ खिला के उसका जो बॉडी वेट होता है उसको बढ़ाया जाता है, तो वैसे ही उस टाइप का सीन है। वहाँ पे भरपूर खाना आपको खिलाया जाएगा, कुछ भी टेस्ट हो ना हो आपको खाना पड़ेगा ही पड़ेगा। ओके, और ऑब्वियसली बात है, आप अगर ऑल टाइम खाना भूस भूस के खाओगे तो आप तो हेल्दी होगे। और नॉर्मल सा एग्जाम्पल है, अगर एक घास के ऊपर आप कोई चीज़ से आप ढक दो घास, तो 7 दिन बाद अगर वो चीज़ को उठा के देखोगे ना, तो घास एकदम लोलो जैसा हो जाता है। तो ऑब्वियसली बात है, अगर 4 दीवार के अंदर कोई भी इंसान रहेगा तो बॉडी स्किन टोन तो चेंज होगा ही। तो ये सब जब घर वाले पेरेंट्स को जब विजिट करने के लिए जाता है और वो लोग जब देखता है कि हमारा बेटा तो अच्छा है, तो भाई वो लोग का मूड ही चेंज हो जाता है। वो लोग सोचता है कि चलो मेरा बेटा तो यहाँ पे ही रहे, यहाँ पे ही बेस्ट है। बट गाइस यार लिटरली बोलूँ, वहाँ का शॉट बहुत ही ज़्यादा गंदा था। मैं किसी को भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि वो रिहैब का अंदर जाए, ठीक है ना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गंदा शॉट था मेरा। कभी कभी ना, अभी भी मैं जैसे हूँ, मुझे कभी कभी मेरा फैमिली वाले स्टिल थ्रेट दे देता है कि अगर कुछ भी उल्टा सीधा करेगा ना तो फिर से रिहैब में भेज देंगे। तो मेरा दिमाग में ना बहुत ही ज़्यादा ये मतलब एंजाइटी होकर बैठा है कि मतलब कभी भी हो सकता है मेरे साथ फिर से वो सब हादसा, और मैं ना कभी भी ये सब नहीं देखना चाहता हूँ। मैं इससे अच्छा तो मर जाऊँ, बाकी रिहैब के अंदर ना मैं कभी भी विजिट नहीं करना चाहता हूँ। बहुत ही डरावना शॉट था गाइस। और मतलब मेरा लग अच्छा था कि मैं 32 डेज के अंदर ही अंदर मैं घर आ गया। बहुत सारे लोग ऐसा था कि साल भर से वो लोग वहाँ पे हैं, किसी की एनिवर्सरी हो रहा है, 1 साल कंप्लीट हो रहा है, तो वहाँ पे केक वेक काट हो रहा है। बट यार क्या ही बोलो यार, किसी कोई कोई किसी को भी पसंद नहीं है कि 4 दीवार के अंदर 1 साल वो अंदर ही रहे।
और गाइस क्या है ना कि मुझे रिहैब का स्टाफ वाले ना बहुत ही ज़्यादा मेंटली प्रेशर क्रिएट कर रहा था। इट्स लाइक कि वो लोग मुझे ये सिखा रहा था कि अगर घर वाले आ जाएगा ना तो वो लोग को ये बोलने का कि तुम अभी नहीं जाओगे, तुम थोड़े मन बाद जाओगे। मतलब समझ रहे हो ना, वो लोग ना थोड़ा मैनिपुलेट करेगा कि तुमको बस बोलने का घर वाले आएगा जब, तब कि नहीं जाने का। क्योंकि देखो यार, जितना सारा पेशेंट उन लोग के पास रहेगा तो उन लोग का मार्केटिंग, उन लोग का बिजनेस और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, ठीक है ना। तो वो लोग बिजनेस माइंडसेट के हिसाब से ऐसा शॉर्ट करता है। बट गाइस, किसी का फ्रीडम को लेके खेलना ना ये बहुत ही बुरा कर्म है। और जो लोग भी ये सब कर्म करता है ना, मुझे लगता है कि कभी ना कभी ये लोग को तो सजा मिलना ही कर्म का जो फल है वो लोग को तो मिलेगा ही मिलेगा। और हम लोग का क्या है, हम लोग मतलब सोना है गाइस, हम लोग वीट फूकते हैं। बट मतलब मैं वीट फूकता हूँ, बट ऐसा है कि मैं नशीली नहीं हूँ यार, मैं फूकता हूँ बट मैं आई एम नॉट अ नशीली। ओके ना गाइस, मैं अभी भी आप लोग के साथ बात कर रहा हूँ। और क्या है ना गाइस कि मतलब इतना सारा अभी ना मेरा जो मतलब सिचुएशन है ना बहुत ज़्यादा खराब चल रहा है, क्योंकि मेरा 3 साल का रिलेशनशिप खराब हो गया है। और उसके बाद मेरा जो मतलब एक सेट लाइफ था वो पूरा खत्म हो चुका। सो गाइस, अभी बस यही इन्फॉर्मेशन देना था, बाकी वीडियो बहुत जल्दी जल्दी आएगा। प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करो कि आप लोग को कैसा टाइप का वीडियो चाहिए। वैसे मैं कोशिश करूँगा कि हर टाइप का वीडियो आप लोग के लिए सर्व करने का, ओके। बट क्या है ना गाइस, आप लोग को मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा कि वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना पड़ेगा। बाय द वे, माय नेम इज राज वायरस और मैं बहुत ही अच्छा अच्छा वीडियो मेरे हिसाब से लेके आते रहता हूँ, और मैं कभी भी किसी को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देता। और मुझे लगता है कि आजकल का जो जेंजिंग्स है ना वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और बहुत ही ज़्यादा होशियार है, ओके ना। सो बहुत ही ज़्यादा जगह, बहुत ही ज़्यादा प्लेस, बहुत डिफरेंट लोगों के साथ मिलने के बाद मेरा माइंड सेट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हुआ है। बट क्या ना, ये सोसाइटी है, ये जो पोअर मेंटेलिटी वाला पब्लिक्स है ना, मुझे बार बार पुश कर रहा है, सॉरी पुल कर रहा है, कोई भी पुश नहीं कर रहा है। सो यही सब जो सीन है ना, मुझे बार बार लो ट्रिप देता है, बैड ट्रिप देता है, और मुझे ये सब एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा है गाइस। मुझे थोड़ा सा स्ट्रेस फ्री लाइफ चाहिए, और मुझे ना अभी तक कहीं पे भी पीस नहीं मिल रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ हर जगह से छुटकारा मिलने के लिए। मैं ना थोड़ा सा शांति के लिए एक ही जगह में अभी एक ही रूम पे बंद पड़ा हूँ, ना किसी से बात कर रहा हूँ, ना अच्छे से घूम रहा हूँ, ना कुछ भी कर रहा हूँ। बहुत ही ख़राब हाल चल रहा है। बाकी जो भी होगा आगे मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगा मेरा लाइफ का हिस्ट्री। और ये कुछ ऐसा था। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना, और मेरे चैनल में नए हो तो वीडियो को प्लीज़ शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना चैनल को। ओके, टाटा, कल मिलते हैं।